हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू हेल्पिंग आईटीवी। फ्रेंड्स, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप डिलीवरी के बाद की देखभाल के लिए भी वीडियो अपलोड किया करें। वैसे तो मैं कभी कभार ये वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन मैं इसे बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती। लेकिन अब से मैं रोज़ाना कोशिश करूँगी कि एक वीडियो आपका डिलीवरी के बाद केयर के लिए हो। तो आज से ही मैं इसे शुरू कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डिलीवरी के बाद मालिश कब से करवाना शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डिलीवरी के बाद मालिश करवाना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे के जन्म के दौरान नसों में खिंचाव पड़ने की वजह से मांसपेशियाँ बहुत ही सख्त पड़ जाती हैं और इनमें दर्द होता है, जिस वजह से शरीर में दर्द का अनुभव होता है। और मालिश करवाने से ये सख्त पड़ी हुई मांसपेशियों में ढीलापन आ जाता है और हाथ पैरों कमर आदि में जो दर्द होता है वो भी खत्म हो जाता है। अगर आप मालिश नहीं करवाती हैं तो उस समय तो आपको शायद दर्द का अनुभव ना हो, लेकिन भविष्य में आपको मांसपेशियों की कड़ेपन होने की वजह से शरीर में कहीं ना कहीं दर्द रहता है, इसलिए मालिश जरूर ही करवाएं। प्रेगनेंसी के बाद 15 दिन या 1 महीने अपने शरीर की मालिश जरूर करवाएं। अब बात आती है कि मालिश कब से करवाना शुरू करना चाहिए। तो देखिए, प्रेगनेंसी के 5 से 6 दिन बाद से ही आप मालिश करवाना शुरू कर सकती हैं, बशर्ते आपको नॉर्मल डिलीवरी में टांके ना आए हों। अगर आपको टांके आए हैं तो आप अपने हाथ पैर अकेलों की मालिश कुछ दिनों तक करवाएं, और हफ्ते भर बाद जब आपको टांके कुछ ठीक ठाक लगने लगे या उनमें दर्द आए तो आप अपनी मालिश शुरू करवा सकती हैं। आपको मालिश ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने ही, मालिश एक बहुत अच्छी बात होती है, आप 1 महीने से ज़्यादा भी करवा सकती हैं। मैं अपने अगले वीडियो में मालिश के लिए सबसे बेस्ट तेल कौन सा होता है ये बताने वाली हूँ। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसी तेल से मालिश करवाएं। वो तेल इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आपके शरीर की सारी सूजन, सारा दर्द ख़त्म हो जाएगा और आपका शरीर पहले की तरह जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहती हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।